तो आपको आशीर्वाद मिला है या लोगों की जो है वो बददुआ मिली है, वो तय कौन करता है? आठवां भाव तय करता है, नौवां भाव आपका तय करता है, उसी से आपके भाग्य का निर्माण होता है। बिल्कुल ऐसा यह नहीं है कि आपका जो भाग्य का निर्माण है वो भाग जो आपके भाग्य का स्वामी है, जो भाग्य से आपका है, जब उसकी दशा आ जाएगी तो आपका भाग्य बन जाएगा, बिल्कुल नहीं है। यदि आपने उसके निमित्त कुछ कर्म किया है, जैसे आप देखेंगे इस भाव को तो आप एक चीज देख पाएंगे, यह भाव जो है वो आपके पंचम से पंचम है। पंचम भाव पुत्र का होता है, पंचम भाव पुत्र का होता है, और पुत्र से पुत्र कौन होगा? नवम भाव हो जाएगा, अर्थात आपके पोते को, अर्थात आपके बेटे के बेटे को, या आपके बेटे के जो संतान होंगी उसे कौन दिखाता है? नौवा भाव दिखाता है। इसीलिए नौवे भाव के लिए यह कहा जाता है कि यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं, कोई सत्कर्म आप अपने जीवन में कर रहे हैं, कोई धार्मिक कार्य अपने जीवन में कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट आपको लगता है कि आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको ना मिलकर उसका रिजल्ट किसे मिलेगा? वो आपके पोतों को मिलेगा, जो आपके आने वाले निकट भविष्य में हैं, उन्हें उसकी प्राप्ति होगी। तो नवम भाव जो है वो भाग्य है, भाग्य के साथ साथ यह आपके पिता का स्थान है। हम लोग उत्तर भारत के अंदर नवम भाव से व्याख्या करते हैं पिता की, और दक्षिण भारत के अंतर्गत दशम भाव से पिता की व्याख्या की जाती है, अर्थात दशम भाव से वहां लिया जाता है, हम लोग नवम भाव से लेते हैं। नवम भाव एक सलाहकार का है, एक उचित सलाहकार का है। तो उचित सलाहकार का अर्थात उचित सलाह कौन देता है? जो हमें, हमारे जो शुभ चिंतक होते हैं वो हमें उचित सलाह देते हैं। तो शुभ चिंतक कौन होते हैं? पिता हो या गुरु हो, तो नवम भाव जो है वो गुरु का है। नवम भाव हमारे डीएनए को भी दर्शाता है, जो डीएनए है उसे भी नवम भाव दर्शाता है। उसके साथ में नवम भाव उच्च शिक्षा है, हमारी जो उच्च शिक्षा है वो नवम भाव है। हम किसी को कुछ दे रहे हैं वो नवम भाव है, दैन्य, जो दैन्य भावना है, जो देने की भावना है वो नवम भाव है। आदर्शवाद, आदर्शवाद यदि हम कहें, जो एक आदर्श को लेकर हम अपने जीवन में चलते हैं कि हाँ मैं यह करूंगा, मैं वो करूंगा, वो चीजें क्या है? नवम भाव है। हमारे जो धार्मिक विचारधारा है, यदि नवम भाव में बुध आ जाए या नवम भाव में राहु आ जाए, तो हमारी धार्मिक विचारधारा को वो नष्ट कर देता है। राहु या तो हमारी धार्मिक विचारधारा को इतना ऊपर तक लेकर चला जाता है कि हम कहते हैं कि भाई हम ब्रह्मचर्य रहेंगे, अपने धर्म की सेवा करेंगे, नहीं तो यदि नवम में राहु चला जाए तो आपको बहुत नीचे लेकर चला जाता है, बहुत नीचे, अर्थात आप अपने धर्म को परिवर्तित करते हैं, अर्थात अपने धर्म का आप परिवर्तन करते हैं, अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म को अपना लेते हैं नवम में यदि राहु है। तो जो चीजें प्रकाशन में आती हैं या जो चीजें प्रकाशित होती हैं वो नवम भाव है। लोगों के सामने जो चीजें प्रकाशित होती हैं हमारे जीवन की, वो नवम भाव है। लंबी दूरी की यात्रा को भी हम नवम भाव से देखते हैं, जो लंबी दूरी की यात्राएं हैं उसे भी हम नवम भाव से देखते हैं। दान तो बारहवा भाव है, लेकिन दान देने की जो भाव है, दान देंगे उसकी जो भाव है वो नवम भाव है। देवताओं की पूजा, आध्यात्मिक ज्योतिष के अंतर्गत यह उपासना का भाव है। आप उपासना कर रहे हैं, उसमें आपको उन्नति मिलेगी या नहीं मिलेगी,
आप किस देवता की पूजा करें जो आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, वो कौन तय करेगा? वो आपका नवम भाव तय करेगा। उसके साथ ही यह नीति और नियम इन दोनों का भाव है, इसलिए 1-5-9 को धर्म त्रिकोण कहा गया है, और धर्म जो है वो नीति से चलती है, तो नीति और नियम इन दोनों का भाव जो है वो नवम है। नवम से हम स्थान परिवर्तन को भी लेते हैं, क्योंकि लंबी दूरी की यात्रा होगी तो स्थान परिवर्तन भी होगा, इसलिए इसे स्थान परिवर्तन भी कहा गया है। ठीक उसके साथ यह हमें भविष्य का पूर्वानुमान भी दिखाता है, जो भविष्य में, निकट भविष्य हमारे साथ जो चीजें होने वाली हैं उसका पूर्व अनुमान भी हमें नवम भाव करके देता है। जो ग्रह नवम भाव में बैठे हैं उसके अनुसार यह हमें प्रसिद्धि ला कर देता है। यदि हम किसी देश की बात करें तो किसी देश के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है वो नौवा भाव है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो नौवा भाव है। किसी देश के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय कानून है वो नवम भाव है, अंतरराष्ट्रीय कानून को भी यह दर्शाता है, नवम भाव ही दर्शाता है उसे। संयुक्त राष्ट्र संघ नवम भाव है। विदेश मंत्रालय को भी यह नवम भाव ही दर्शाता है, क्योंकि लंबी दूरी को दिखा रहा है यह। विद्यालय पंचम भाव है, अर्थात स्कूल जो है वो पंचम भाव है। यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है वो नवम भाव है। जैसे आपके पास कोई प्रश्न आया है कि मैं शिक्षा शिक्षक की नौकरी कहाँ करूंगा, विश्वविद्यालय में करूंगा या किसी स्कूली मध्यम स्कूल में करूंगा, तो उसका विचार आप नवम और पंचम से करेंगे। यदि कोई व्यक्ति पूछने आया है कि भाई मैं सरकारी नौकरी करूंगा या प्राइवेट नौकरी करूंगा, तो उसका विचार भी आप इन भावों से ही करेंगे। धार्मिक कार्य नवम भाव है। जो उपदेशक होते हैं, अर्थात जिसे हम आज के शब्दों में कहें तो जो प्रवक्ता हैं, जो प्रवचन करते हैं, वो 9th हाउस है, लेकिन वो सच में जो उपदेशक हैं वो नवम भाव है, ना कि सिर्फ वैसे ही जो बैठे हैं जिन्हें सिर्फ धन से मतलब है, वो नवम भाव नहीं है। बहनोई को हम नवम भाव से देखते हैं। बहनोई अर्थात जो आपके, जो बहन आपसे छोटी है उसके पति को, क्योंकि छोटा भाई बहन तीसरा भाव, और तीसरे से ठीक 7वां नौवां भाव, तो उसे भी हम नवम भाव से देखते हैं। यदि हम पौत्र की बात करें, अर्थात पोते की बात करें, तो पोता नवम भाव होता है। 7वें से तीसरा आपके जीवन साथी के भाई बहनों का स्थान, जिसे साला साली आप कह सकते हैं, वो नवम भाव है। नवम भाव से हम मंदिर को देखते हैं। घर में कहाँ मंदिर है या मंदिर की क्या स्थिति है, उसका ही विचार हम नवम भाव से करते हैं। शरीर के अंग की यदि हम बात करें, तो शरीर के अंगों में जो जंघा है हमारा, वो नवम भाव है। जंघा नवम भाव है। आध्यात्मिक ज्योतिष के अंतर्गत नवम भाव, जैसे सप्तम ध्यान है, अष्टम समाधि है, वैसे ही आध्यात्मिक ज्योतिष के अंतर्गत नवम भाव को आत्मज्ञान कहा गया है। आत्मज्ञान कहा गया है। आत्मज्ञान के साथ ही यह योग भी है। आध्यात्मिक ज्योतिष के अंतर्गत इसे ध्यान में रखना है, यह योग भी है। ये जो दीक्षा हम लेते हैं वह दीक्षा भी नवम भाव है।
आपने सुना होगा वज्रासन, वज्रासन होता है, स्वस्तिका आसन होता है, गरुड़ आसन होता है, वीरासन होता है। ये जो चार आसन हैं, जो योग के चार आसन हैं, वो नवम भाव है। यह सभी नवम भाव है। वीरासन में कौन बैठते हैं? भगवान हनुमान जी बैठते हैं, नवम भाव है। और अच्छे शिष्य बनाना, यदि आपका नवम भाव अच्छी अवस्था में है, तो आपके जो शिष्य होंगे, जो आपके अनुचर होंगे, वो बहुत अच्छे होंगे। वो स्वभाव से कहें या ऐसे कहें, बहुत अच्छी अवस्था में होंगे, तो नवम भाव बताता है। तो ये जो है वो नवम भाव के कुछ कारक तत्व हैं। लेकिन नवम भाव के हम समझते कैसे हैं, व्याख्या कैसे करते हैं, यदि उसे हम समझें, तो जैसे हम मान लेते हैं, जैसा पंचम भाव की जब हमने गणना की, पंचम भाव पे जब हमने बात किया, तो पंचम भाव के अंतर्गत हमने कहा कि भाई जो उपायों के लिए, जो रेमेडी के लिए पंचम भाव को देखना आवश्यक है, अति आवश्यक है, वैसे ही एक व्यक्ति का जो नवम भाव है, वह उसके भाग्य के लिए और पूर्व जन्म के लिए भी अति आवश्यक है। यदि यह घर अच्छी अवस्था में नहीं है, बुरी अवस्था में चला जाए, तो यह पित्र दोष को भी उत्पन्न करता है। नवम भाव का खराब होना पित्र दोष को भी दिखाता है। यदि वहां मैलेफिक प्लैनेट बैठ जाए, यदि वहां मंगल बैठ जाए, तो मंगल बैठ जाए तो क्या कहेगा कि आपके घर में पित्र दोष लगे हैं। वो क्यों लगे हैं? जमीनी विवाद के कारण। आपके पूर्वज कौन है? नवम भाव है। तो नवम भाव पूर्वज होने के कारण, आपके पूर्वजों में जमीनी झगड़े हुए, उस कारण आपके घर में पित्र दोष लगा है। यदि वहां राहु है, तो आपके घर में धर्म परिवर्तन किया गया है, या राहु संबंधित एक्टिविटी की गई है, जिस कारण से आपके घर में पित्र दोष लगा है। यदि वहां शनि बैठा है, तो शनि स्पष्ट कर रहा है कि आपके घर में नौकरों को सताया गया है, उस कारण आपके घर में पित्र दोष लगा है। यदि वहां केतु है, तो केतु कहता है जड़ से आपके घर में छेड़छाड़ की गई है, जड़ अर्थात पूर्वजों से छेड़छाड़ की गई है, पुरोहितों से छेड़छाड़ की गई है, जो गुरु चले आ रहे होंगे उनसे छेड़छाड़ की गई है, तो वहां डैमेज कर रहा है। तो यदि पाप ग्रह नवम भाव में जाते हैं, तो यह एक पित्र दोष को उत्पन्न करते हैं, जिसका एक ही उपाय है, गंगा स्नान और अमावस्या को ब्राह्मण को भोजन कराना। तो यदि पित्र दोष लग जाए, तो नवम भाव को सीधा वो इफेक्ट करता है। यदि नवम भाव खराब हो, तो जिसके कारण आपका भाग्य आपके साथ नहीं मिल पाता, और भाग्य नहीं मिलने का कारण है कि व्यक्ति अपने आपको कष्ट में डाल देता है, या फिर एक कष्ट में चला जाता है। अच्छे जो आपके कर्म हैं, आठवें से नौवा आया है, कल हमने आठवें भाव के बारे में पढ़ा है, आज हम नवम भाव के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आठवें भाव से नौवा भाव जो है, वो इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि हम क्या करते हैं, अच्छे कार्य से, अच्छे कर्मों से, विशेषकर धार्मिक किसी कार्य से, हम अपने आयु की वृद्धि करते हैं, हम अपने आयु की वृद्धि करते हैं, इसलिए नवम भाव को श्रेष्ठ माना गया है। यदि आपके नवम भाव में सातवें का स्वामी चला है, सप्तम भाव का स्वामी यदि नवम भाव में आपका आया है, तो आप यहाँ पे यह कहेंगे कि भाई यह व्यक्ति जब विवाह करेगा, तो विवाह के उपरांत इसे भाग्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि जड़ और जीव को आप लगाइए, तो सातवां भाव जड़ हो गया, सातवें भाव का जो जीव है वो कहाँ गया? नवम में चला गया। तो जब आप सातवें भाव को एक्टिव करेंगे, तो आपका नवम नवम भाव एक्टिव हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य है कि जैसे ही आपका विवाह होगा, जैसे ही आप कोई छोटा सा बिजनेस करें, या जैसे ही आप ध्यान करते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका नवम भाव एक्टिव अवस्था में होता है, अच्छी अवस्था में होता है।
सप्तम भाव जो है वो आपके दूसरे संतान का भी है, जो आपका दूसरा संतान है पांचवें तिथि का वो आपका नवम भाव है, तो इस कारण से भी यह जो भाव है वो प्रमुखतः अच्छी अवस्था में होता है। अर्थात दूसरे संतान की भी आप देखे होंगे कि जैसे ही किसी व्यक्ति के दूसरे संतान की प्राप्ति हुई, उसके भाग्य ने उसके साथ साथ दिया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसके घर में होने लगी। ठीक है, यदि हम प्रथम भाव की बात करें तो प्रथम भाव आप स्वयं हैं, आप स्वयं किसके पास चले गए, भाग्य के पास चले गए। अब आप भाग्य की जागृति के लिए क्या करेंगे? बहुत अच्छा है, इसमें कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप भाग्य की जागृति के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। जैसे ही आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बेहतर रखते हैं, आप आरोग्य रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो आपका नवम भाव स्वयं अच्छी अवस्था में होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका लग्न आपका स्वास्थ्य है, आप स्वयं हैं, और वो कहाँ गया है? नवम में गया है। तो आप अपने आप को जितना बेहतर कर पाएंगे स्वास्थ्य को लेकर, नेम फेम को लेकर, उतना बेहतर आपका नवम भाव होते जाएगा, आपका भाग्य उतना ज्यादा आपको सपोर्ट करते चला जाएगा। सेकेंड का समय आप लोग हमें देंगे। वैसे ही यदि हम दूसरे भाव की व्याख्या करें तो दूसरा भाव क्या है? आपका परिवार है, दूसरा भाव आपके संस्कार हैं, दूसरा भाव धन है। तो आपके पास जैसे जैसे धन आएगा वैसे वैसे आपको भाग्य, आपका भाग्य जो है वो जागृत अवस्था में होगा। या यहाँ पे आप यह कह सकते हैं कि जैसे जैसे आपके समक्ष, जैसे जैसे आपके समक्ष आप अपने परिवार से जितना बेहतर रिलेशनशिप रखेंगे, उतना बेहतर ही आपका जो भाग्य है वो होते चला जाएगा, उतना बेहतर ही आपका भाग्य होगा। दूसरा भाव आपके संस्कार हैं, तो वहां आपको संस्कारों को बेहतर रखना है, तो यह अच्छी अवस्था में होगा। यदि हम अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म के अंतर्गत दूसरे भाव को नियम बताया गया है। तो यदि आप अपने जीवन में रूल को फॉलो करते हैं, नियमों को फॉलो करते हैं, तो आपका भाग्य स्वयं जागृत होगा और आपको धन की भी प्राप्ति वो करा देगा। क्योंकि आप नियम को जैसे ही एक्टिव करेंगे अपने जीवन में, नियमों को लेकर आएंगे कि नहीं मैं किसी भी कार्य को नियम से करूंगा, जो उसके नियम है उसके अनुसार करूंगा, तो आप उस भाव की जागृति करेंगे। और जैसे ही उस भाव की जागृति होगी तो आपका भाग्य स्थान जागृत हो जाएगा, और भाग्य स्थान से जो चीजें आपको प्राप्त तो होनी है आपके कुंडली के अनुसार वो आपको प्राप्त हो जाएगी। यदि हम तीसरे भाव की बात करें तो तीसरा भाव त्रिषडाय है। तीसरा भाव जो है वो त्रिषडाय है, तीसरे भाव का स्वामी त्रिषडाय होता है। त्रिषडाय होने के कारण यह आपके जीवन में कष्टों को तो ऐड करेगा, वो निश्चित है कष्ट को ऐड करना, लेकिन जैसे 2, 6, 10 को यदि देखे, दूसरा भाव जो है उसे हम देखे तो पृथ्वी तत्व है, वो कहता है अपने काम को स्थिरता से करना है।
और 3 7 11 क्या है, वायु तत्व है। वो कहता है अपने कार्य को कैसे करना है, हवा के झोंके की तरह करना है, आज यहाँ तो कल वहां। यदि ऐसी स्थिति इस जातक के साथ है जिसके कुंडली में तीसरे का स्वामी नवम में गया है, तो उसके लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके ठीक नवम भाव की जागृति होते रहेगी। ट्रेवल, मार्केटिंग, बिजनेस और उससे भी बेहतर यदि भाग्य की जागृति आपको चाहिए तो तीसरा भाव लेखन है। आप जो लिखते हैं ना वो तीसरा भाव है, तो यदि आप लिखते हैं तो आपकी भाग्य की जागृति होती है। अब इसमें यदि कहें कि किस कलर का पेन होना चाहिए, तो जो ग्रह का उस घर के ऊपर प्रभाव जा रहा है उस ग्रह के कलर की पेन का इस्तेमाल कीजिए, लिखिए, आपके भाग्य की जागृति हो जाएगी। आपका नवम भाव जो है वो अच्छी अवस्था में चला आएगा, आपको वो चीजें देना प्रारंभ कर देगा। यह थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, इसलिए हो जाता है, जैसे आज ही मैं एक कुंडली देख रहा था एक व्यक्ति की। एक मिनट मैं आपको उस कुंडली को आपके समक्ष रख दूं तो बेहतर होगा जी। ये कुंडली आप लोग देख पा रहे हैं, ये कुंडली आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है। अब इस कुंडली में आप देखेंगे कि तीसरे का जो स्वामी है, तीसरे भाव का जो स्वामी है वो कहाँ गया है, भाग्यस्थान में गया है। यह जो जातक है वो अपने जीवन में हर उस चीज को किया जिससे इसे उन्नति हो सके या बेहतर बन सके अपने जीवन में, लेकिन ये अभी तक किसी प्रकार कोई तरक्की को नहीं कर पाया। जहां था उससे थोड़े थोड़े संघर्ष करके ऊपर जी उठा, लेकिन ये पूर्णता व्यवस्थित नहीं हो पाया। लेकिन तब भी ये ठीक है, क्यों ठीक है, क्योंकि शनि के साथ चंद्रमा है, और दूसरा यह कि यह व्यक्ति मार्केटिंग का काम करता है और घूम घूम कर अपने बिजनेस को कर रहा है, जिस कारण स्थिति ठीक है, चल रही है। इसके लिए यदि उपाय की बात की जाए तो क्या इसे यूटिलाइजेशन देने की आवश्यकता है, तो यहां पे आप एक यूटिलाइजेशन इसे दे सकते हैं कि जन्म स्थान को छोड़ दो। जन्म स्थान को जिस दिन यह व्यक्ति छोड़ देगा इसे तरक्की मिल जाएगी। जन्म स्थान की गणना हमने क्यों की यहाँ पे, क्योंकि नवम भाव में शनि और चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा जन्म स्थान होता है, शनि रिफ्लेक्ट कर रहा है उसे, और यदि हम कुंडली को देखकर बात करें तो चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है और वहां शनि से चंद्रमा जुड़ रहा है जो परिवर्तन को दिखा रहा है। तो यदि यह जातक अपने जन्म स्थान को परिवर्तित कर लेता है, परिवर्तन में ले आता है, तो इसे इसके भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। दूसरा, तीसरा भाव जो है वो हार्ड वर्किंग है, आपके पूरे पूरे साहस को यह लेता है। तो तीसरे भाव का नवम भाव में जाना यह भी कहता है कि भाई आपके जीवन में एक मंत्र का होना अनिवार्य है, वो यह है कि संघर्ष ही जीवन है। आपके जीवन में नित्य संघर्ष आते ही रहेंगे, आप उसे किसी प्रकार तोड़ नहीं सकते हैं। इसके एक और चीजें हैं जिससे आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो क्या है, तीसरा भाव अध्यात्म के अंदर आसन बताया गया है। तो जो आसन है, आसन अर्थात करने का तात्पर्य है कि यदि आप एक मुद्रा में बैठकर किसी एक मंत्र का जप करते हैं तो उससे भी आपके तीसरे भाव की जागृति होती है, क्योंकि तीसरा भाव मेंटल डेवलपमेंट को भी दर्शाता है। तो किसी मंत्र का आप जप करते हैं तो आपके मेमोरी को वो अच्छी अवस्था में लेकर जाता है, जिससे आपके तीसरे भाव की जागृति के साथ ही नवम भाव की जागृति हो जाती है। तो यह भी आपके लिए बेहतर है, आप आसन का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और पीड़ा होगी क्या, ये जातक
के बारे में जब हमने जानकारी ली तो जानकारी के अनुसार हमें यह प्राप्त हुआ कि यह जो जातक है वो परेशान है अपने बहनोई के कारण, अपने बहनोई के कारण यह बहुत ज्यादा परेशानी में है। तो बहनोई क्या हो गया, नवम भाव हो गया, शनि वहां आ गया है, तीसरे का स्वामी होकर आ गया है, तो यह अपने बहन के कारण ही अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान है। इस कारण ही ऐसी स्थिति होती है। तीसरे भाव का एक रूल है, आप लोग के साथ मैं इसे साझा करूं। यदि तीसरे भाव में शुक्र बैठ जाता है, यदि तीसरे भाव में शुक्र बैठ जाता है तो उस व्यक्ति के घर में ज्यादातर आपको कन्या देखने को मिलेंगी, पुत्र की अपेक्षा आपको ज्यादातर कन्या वहां देखने को मिलेंगी, ज्यादा लड़कियां होंगी उस घर में। तीसरे के बाद आते हैं हम चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि नवम में गया है तो आपके लिए बहुत श्रेयस्कर है। तीसरे भाव का स्वामी नवम में गया है तो आप अपने भाई, छोटे भाई के साथ संबंधों को ठीक रख के या उससे जुड़कर आप काम करें तो उससे भी आपको आपके भाग्य की जागृति होती है। आपका जो चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव आपकी माता का है, मन की शांति का है और जल तत्व है। तो जल तत्व होने के कारण चतुर्थ का स्वामी यदि नवम में गया है, यदि हम धर्म अर्थ काम मोक्ष की भी बात करें तो चतुर्थ का स्वामी नवम में गया तो मोक्ष धर्म के पास गया तो वो ज्यादा समस्यादायक नहीं है, वो आपके लिए ठीक है। आप उस भाव की जागृति के लिए क्या करेंगे, यदि आप चतुर्थ भाव संबंधित एक्टिविटी करते हैं, जैसे चतुर्थ भाव माता है, चतुर्थ भाव आपकी भावना है, चतुर्थ भाव आपका चतुर्थ भाव प्राणायाम को भी दर्शाता है, तो यदि आप प्राणायाम भी करते हैं तो आप अपने नवम भाव की जागृति कर रहे हैं। ठीक, आप प्राणायाम के साथ साथ यदि आप अपने घर के जो वातावरण है उसे आप ठीक रखते हैं तो भी आप नवम भाव की जागृति अर्थात चौथे की जागृति के साथ साथ नवम भाव की जागृति करते हैं। चतुर्थ भाव को यदि आप किसी भी स्थिति से जागृत करते हैं तो आपके उस भाव की जागृति हो जाएगी जहां आपका चतुर्थ का स्वामी बैठा है। वैसे ही चतुर्थ भाव जो है वो जल है, तो यहां पे आपको कैसे कार्य करना है, धर्म को लेकर, धर्म को लेकर अपनी भावना से आपको कार्य करना है, आपके भाव कैसे हैं उससे आपको काम करना है। यदि तीसरे का स्वामी नवम में है तो वहां आपको कैसे काम करना है, आपको अपनी कामनाओं को लेकर काम करना है कि अपनी क्या कामना है उससे आपको धर्म से जुड़ना है। आप धर्म से जुड़ते हैं तो क्या होगा, कामनाओं की पूर्ति होती है। तो चतुर्थ का जो स्वामी है वो यदि वहां गया है तो आपके जीवन में इन चीजों को लेकर आ रहा है। यदि आप भावना से जुड़कर धर्म के कार्य को कर रहे हैं या भावनात्मक रूप से अपने आप को रखे हैं, भावनात्मक और भाव और भावना में बहुत फर्क होता है। भाव जो है वो आपके अंदर जो चीजें, जैसे मैं आपको अभी जो कुछ हमारे पास है वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, यदि इसके अंदर मेरे अंदर एक भाव आ गया कि मैं इन चीजों को छिपा लूं, कुछ चीजें मैं आपके सामने ना रखूं जो बहुत ही विशेष है, तो वहां क्या होगा, मैं अपने केतु को खराब कर लूंगा। और यदि मैं कठोर बन जाऊं, भावनात्मक रूप से मैं कठोर बन जाऊं, मैं किसी को, कोई रोता हुआ है उसे देखकर मुझे, मैं बिहल ना हो जाऊं या मैं व्याकुल ना हो जाऊं, तो वहां पे क्या हो जाएगा कि मेरा चतुर्थ भाव डैमेज है, चतुर्थ भाव अच्छी अवस्था में नहीं है क्योंकि वो भावना को दर्शा रहा है। तो यदि चतुर्थ का नवम में गया है, आप भावुक नहीं है, भावनात्मक रूप से आप अच्छे स्थिति में नहीं है, भावुक होना भी खराब है, ऐसा नहीं है कि भावुक आप हैं तो बहुत अच्छे हैं, भावनात्मक रूप से आप अच्छे नहीं है, आप में एक मातृत्व नहीं है, मदरहुड आप में नहीं है, सबसे बड़ी बात वो है क्योंकि चतुर्थ भाव मदरहुड को देता है। यदि मदरहुड आप में नहीं है तो आपका नवम भाव की जागृति नहीं हो सकती है। तो वहां पे आप प्राणायाम करके आप
उस भाव की जागृति करते हैं। पंचम भाव, पंचम का स्वामी नवम में गया है, तो आपकी पहली जो संतान होगी उसकी प्राप्ति होने के बाद आपको संतान की प्राप्ति है, उसकी प्राप्ति होने के बाद आपके नवम भाव की जागृति होती है, आपके भाग्य का उदय होता है। ठीक वैसे ही यदि आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, कंटिन्यू आप पढ़ते हैं, लर्निंग लेते हैं, तो भी आपकी उस भाव की जागृति होती है। यदि पंचम भाव का स्वामी शनि है और वो नवम में जाकर बैठ गया है, तो यदि आप हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इतिहास को पढ़ते हैं, तो आपके उस भाव की जागृति होती है, तो उस भाव की आपकी जागृति होगी। पंचम भाव जो है वो खेल कूद का है, पंचम भाव क्रिएशन का है, पंचम भाव आपके पूर्व पुण्य पुण्य पूर्व जन्म के पुण्य कर्म है या पाप कर्म है। ऐसे तो पुण्य कर्म ही कहा जाता है, लेकिन यदि वहां पाप ग्रह बैठ जाए तो पाप कर्म को भी दर्शाता है। तो इस स्थिति के अंतर्गत भी जो ग्रह बैठे हैं पंचम भाव के स्वामी होकर नवम में, यदि उस ग्रह से संबंधित आप लर्निंग लेते हैं, उस ग्रह संबंधित आप शिक्षा लेते हैं, या उस ग्रह संबंधित किसी भी प्रकार से आप पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो आपको उस भाव की जागृति होती है। पुनः पंचम भाव के बाद हम बात करते हैं अब छठे भाव की। छठा भाव जो है वो शत्रु है, तो वहां यहाँ पे आपके एक और चीजें हो जाएंगे कि भाई आपके गुरु आपके शत्रु बन जाएंगे, आपका यह प्रेडिक्शन हो सकता है, क्योंकि छठा का स्वामी नवम में आया है। यहाँ पे यह भी आपका प्रेडिक्शन होता है, हो सकता है कि भाई आपका आपके जो पिता होंगे वो आपके शत्रु बन जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप यह प्रेडिक्शन ले सकते हैं कि आप बिजनेस करेंगे तो आपको भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप नौकरी करेंगे तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि नौकरी के भाव का जो स्वामी है, सेवा के भाव का जो स्वामी है, वो नवम में गया है। तो आप सेवा करते हैं, डेली रूटीन मेंटेन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपके जो प्रतिदिन के आहार हैं, भोजन है, उसे आप नियमित रूप से लेते हैं, तो यह आपके लिए अच्छी अवस्था में लेकर आता है, अर्थात यह जो भाव है वो बेहतर होगा और उससे आपके वो नवम भाव को बेहतर करेगा। नवम भाव ए छठा भाव जो है वो आपकी धारणा है, आपकी धारणा लोगों के प्रति कैसी है, वह भी आपका जो छठा भाव है। तो आपकी धारणा अच्छी है तो आप नवम भाव को अच्छे रखे हैं, उससे भी आपके धारणा आपकी अच्छी है तो आप छठे भाव को अच्छे रखे हैं, उससे आपके नवम भाव की जागृति होती है। छठा भाव आपका मामा का कुल है, तो मामा से आपके संबंध का भी इफेक्ट आपके भाग्य के ऊपर पड़ता है, भाग्य के ऊपर उनका भी इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। आपका शत्रु कर्क अवैधा व्यक्ति यदि कहे कि मुझे उच्च शिक्षा चाहिए और मैं उच्च शिक्षा नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि त्रिशराय है, छठा भाव क्या है, त्रिशराय है। अब त्रिशराय नवम में गया है तो यहाँ पे आ जाए कि उच्च शिक्षा तो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए आप वहां पे एक यूटिलाइजेशन व्यक्ति को दे सकते हैं कि आप जो हो सो यदि आप लोन लेकर आप अपनी उच्च शिक्षा को लेना चाहते हैं तो आपकी उच्च शिक्षा हो जाएगी। कर्ज लेकर यदि आप पढ़ते हैं तो आपको हायर एजुकेशन मिल जाएंगे, यदि आप कर्ज लेकर नहीं पढ़ते हैं तो आपको हायर एजुकेशन नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अब धर्म धर्म यात्रा या धर्म ही नवम है और वहां कौन गया है, छठे का स्वामी गया है। तो यहाँ यह प्रेडिक्शन है कि भाई आप धर्म स्थलों पर यदि जाते हैं तो वहां शत्रुता का भाव भी आपका आ सकता है, लेकिन वहां पे आप यदि आपकी धारणा अच्छी है तो आप वहां पे अपने आप को अच्छी अवस्था में रख सकते हैं। छह प्रकार के जो बुरे कर्म हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सरिया, यह सभी छठे के अवगुण हैं।
और छठे के सभी अवगुण कहाँ चले गए? पिता के पास चले गए। छठे भाव के अवगुण कहाँ गए हैं? पिता के पास गए हैं। तो आपको ये चीजें भी देखने को मिलेगी, लेकिन कब? जब आपके पिता नौकरी में नहीं होंगे तब। यदि आपके पिता नौकरी में हैं या सेवा किसी कर्म में है या किसी प्रकार वो सेवा दे रहे हैं, तो उनके जीवन के अंतर्गत आपको ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। तीसरे का स्वामी की हम बात करें तो तीसरा भाव मार्केटिंग है, तो आपके पिता मार्केटिंग के फील्ड में होने चाहिए। यदि वो नहीं है तो उनके जीवन में आपको कष्ट देखने को मिलेगा अनेक प्रकार के, क्योंकि वो आठवें से आठवां तीसरा है। तो छठा जो है वो आप देखेंगे तो त्रिशराय होने के साथ साथ वो सेवा का भी भाव है, तो आप वहां सेवा करें, नौकरी संबंधित कार्य करें जो आपके लिए श्रेयस्कर है, आपके पिता के लिए भी श्रेयस्कर है। अर्थात यह पिता के लिए उचित योग नहीं है। तीसरे का स्वामी, छठे का स्वामी, नवम में जाना पिता के लिए अच्छे योग को दर्शाता नहीं है, यह पिता के लिए अच्छे योग नहीं है। तो आप अक्सर देखेंगे ऐसी कुंडली में कि यह तीसरे या छठे का स्वामी यदि नवम में गया है तो उसके जो पिता हैं वो कष्ट में रहे हैं, या तीसरे का स्वामी और नौवे का स्वामी यदि किसी भी भाव में एक साथ बैठा हो, छठे का स्वामी और नौवे का स्वामी यदि कि कहीं भी एक साथ बैठा हो, तो उसके पिता के जीवन में आपको कष्ट देखने को मिलेंगे। और कष्ट किस प्रकार के? जैसे ग्रह जुड़े हैं और वो कहाँ की लॉर्डशिप लिए हुए हैं उसके अनुसार। सप्तम का स्वामी, तो सप्तम के स्वामी की व्याख्या हमने की कि सप्तम का स्वामी यदि नवम में गया है तो आप जैसे ही बिजनेस करते हैं वैसे ही आपको धन की प्राप्त, भाग्य की प्राप्ति होती है। जैसे आपका विवाह होता है तो विवाह के बाद आपको भाग्य की प्राप्ति होती है। जैसे ही आप विवाह के बाद आपको उच्च शिक्षा की भी प्राप्ति होगी, दूसरे संतान के बाद आपको भाग्य की प्राप्ति होती है या उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है, क्योंकि उच्च शिक्षा भी है और आपका भाग्य भी है। अध्यात्म के अंदर हमने बात की थी कि ध्यान जो है वो सप्तम भाव है, तो यदि आप ध्यान करते हैं तो वो आपके लिए आपके भाग्य की जागृति को कराता है, आपकी भाग्य की जागृति को लेकर आता है। ठीक है, सप्तम से आगे बढ़ते हैं नव अष्टम। आठवें का स्वामी नौवे में, आठवें का स्वामी का नौवे में जाना यह थोड़ा समस्यादायक है। क्यों है? आठवां भाव कष्ट है, काल पुरुष का कष्ट है आठवां भाव, और काल पुरुष का कष्ट कहाँ गया है? नवम में पिता के पास गया है। तो पिता के जीवन में आपको देखने को मिलेगा एक प्रकार का कष्ट। वो किस किस प्रकार का होगा? वो वह ग्रह तय करेगी जो ग्रह उस भाव को लेकर वहां आया है। लेकिन यदि आपके पिता आईटी सेक्टर में हैं, यदि आपके पिता इंजीनियरिंग में हैं, यदि आपके पिता मेडिकल के फील्ड में हैं, यदि आपके पिता न्यायालय में कार्यरत हैं, यदि आपके पिता जो हैं वो आयुर्वेद से जुड़े हैं, यदि आपके पिता रिसर्च से जुड़े हैं, वैज्ञानिक किसी गतिविधि से जुड़े हैं, या LIC से जुड़े हैं, बैंक से जुड़े हैं, बैंकिंग से जुड़े हैं, ये जो म्यूचुअल फंड वगैरह है उससे जुड़े हैं, तो आपके पिता की तरक्की ही होती आपको मिलेगी, ना कि आपको मिलेगा कि आपके पिता कष्ट में हैं। क्योंकि वहां क्या हुआ, वो यूटिलाइजेशन अपने हिसाब से वहां काम करता हुआ दिखेगा। एक चीजें आपको अपने पिता के अंदर दिखेगी, वो एक ही कार्य को बार बार करेंगे, एक ही कार्य को बार बार करेंगे। एक और चीजें आप अपने देख आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही आपके संतान की प्राप्ति होती है, जैसे ही ध्यान से समझिएगा, जैसे ही आपके संतान की प्राप्ति होती है वैसे ही आपके पिता के जीवन में अचानक परिवर्तन आ जाएगी। आपका संतान का प्राप्ति नवम भाव, आठवें का स्वामी नवम में, तो अचानक आपके पिता के जीवन में चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा, या आपके पिता के लिए हानि भी लेकर आता है। हानि क्यों लेकर आता है? क्योंकि नवम से वो ठीक पीछे है,
अर्थात नवम का वो 12वां स्थान है। बृहत जातकम के अनुसार जैसा ब्राह्मीहील जी ने कहा है कि किसी भाव को यदि आप देख रहे हैं तो उस भाव को यदि आप लग्न बना लेते हैं तो आप उस भाव की बहुत अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं। तो आठवें का स्वामी नौवे में जाना यह क्या कर रहा है, आपके भाग्य की हानि कर रहा है, यह आपके भाग्य की हानि कर रहा है। तो उसके लिए यदि आप आठवें भाव से जुड़ जाते हैं, क्योंकि नौवां भाव सलाहकार का है, यदि आप ज्योतिष से जुड़ जाते हैं तो ज्योतिष से जुड़कर आप लोगों को सलाह देंगे। यदि नवम भाव में आपको किसी के कुंडली में केतु दिख जाए तो वो जो व्यक्ति है जो भी आपको सलाह देगा वो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ सलाह होगा, क्योंकि केतु भी सलाहकार है, नवम भाव भी सलाह है। तो आठवें का स्वामी नौवे में जाना, ज्योतिष इन सब चीजों से जुड़ जाइए, आपके लिए श्रेष्ठ है, अन्यथा वो आपके भाग्य की हानि कर रहा होता है। नवम का स्वामी नवम में जाना बहुत श्रेष्ठ है, नवम का स्वामी यदि नवम में ही चला जाए तो यह आपको भाग्यशाली बनाता है, यह आपको भाग्यशाली बनाता है, बहुत बेहतर है यह, क्योंकि आपके स्वयं के आशीर्वाद, पूर्वजों के प्रति आपकी श्रद्धा, आपके पिता के गुण, वह सभी आपके नवम भाव अर्थात आपके भाग्य में ही है, अच्छी अवस्था में है, तो आपके लिए बहुत श्रेयस्कर है। आपको किन्हीं चीजों के लिए आपको दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो एक शब्द को हम बार बार बोलते हैं कि योग कारक ग्रह जहां जाए, जहां बैठे, जहां देखे, उस ग्रह की वृद्धि करे, और मारक ग्रह जहां जाए, जहां देखे, जहां बैठे, उस ग्रह की हानि करे। तो यह जो रूल है यहाँ अप्लीकेबल हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। आठवें भाव का स्वामी यदि नवम में जाता है तो ठीक आप इसे अध्यात्म के अंतर्गत ध्यान से ठीक कर सकते हैं, गहन ध्यान से, या एक फिर एक और होता है त्राटक साधना। त्राटक साधना, त्राटक जो है वो ध्यान का ही एक अंग है, तो त्राटक से भी आप अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं, अर्थात नवम भाव को एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन उनसे भी बेहतर आपके लिए यह रहेगा कि यदि आप अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से ज्योतिष को लेकर चले आते हैं तो उससे बेहतर आपके लिए कुछ और नहीं हो सकता है। ज्योतिष आपके लिए एक वरदान के रूप में काम करते हुए आपको आपके जीवन में मिलेगा। अब हम बात करें नवम भाव, तो नवम भाव के लिए आत्मज्ञान आपके लिए आवश्यक है। यदि आप आत्मज्ञान को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, और उससे भी बेहतर आपके लिए है गुरु की दीक्षा, क्योंकि दीक्षा नवम भाव है। जिस दिन आप दीक्षा लेंगे उस दिन से आपके भाग्य की जागृति हो जाएगी, क्योंकि नवम भाव की जागृति के लिए तो आपको नवम भाव को जागृत करना होगा, तो आपके नवम भाव की जागृति होगी। आप जिस दिन दीक्षा लेते हैं या जिस दिन आप स्वयं को किसी गुरु के सानिध्य में रखते हैं तो भाग्य की जागृति आपकी हो जाएगी, आपका भाग्य आपके साथ होगा। नवम भाव ज्ञान है, आप जितना ज्यादा ज्ञान को अर्जित करते हैं आपको आपका जो भाग्य है बिल्कुल आपके साथ सदैव खड़ा होगा, आपके साथ, आपसे बात करने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको आगे ले जाने के लिए। दशम भाव कर्म स्थान है, दशम भाव जो है वो कर्म स्थान है। तो कर्म स्थान का स्वामी यदि नवम में आया है तो यह भी आपके लिए श्रेष्ठ है, अच्छा है, क्योंकि वो उपचय भी है, दशम भाव उपचय है। तो आप जैसे जैसे अपने कर्मों को करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आपके भाग्य को जागृत करता चला जाएगा। जैसे आठवां भाव आपका ससुराल है तो ससुराल से संबंध भी आपको अच्छे रखने चाहिए, तो भाग्य की आपकी जागृति होती है। वैसे ही दशम भाव जो है वो आपके जीवन साथी का माँ का स्थान है, तो जीवन साथी की माँ का स्थान होने के कारण उस भाव की चीजें आपको उस प्रकार से भी मिल सकती हैं। वैसे ही
कर्मस्थान सिर्फ यह नहीं दर्शाता है वो कि यह हमारे कर्म है, वो दर्शाता है कि यह जो हम कर्म कर रहे हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, नीति नैतिकता के साथ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो आपके कर्म के ऊपर है, जैसा आपका कर्म करेंगे वैसे आपको भाग्य की प्राप्ति होगी, यह अच्छा है। लेकिन एक तरीके से यह अच्छा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य पूरे पृथ्वी पर नहीं है जिसने अपने कर्मों को बिगाड़ा ना हो, खराब ना किया हो। तो जिस दिन आप अपने कर्मों को खराब कर देंगे वो आपके भाग्य को भी खराब कर देगा। तो यह एक तरीके से अच्छा है, एक तरीके से बुरा है, लेकिन यह अच्छा है तो आपको संयमित रहना होगा। अच्छा है तो इस आपको संयमित रहना होगा तो आपके कर्म अच्छी अवस्था में हो सकते हैं। आगे एकादश भाव, एकादश त्रि षडाय है। एकादश का स्वामी यदि नवम में आना वो अच्छा नहीं माना जाएगा। अच्छा नहीं मानने माना जाने का मतलब है कि वो छठे से छठा है, तो छठे छठा होने के कारण वो अत्याधिक कष्ट आपके जीवन में ऐड करेगा। लेकिन यदि आप अपने एकादश भाव से जुड़ जाते हैं तो एकादश भाव से जुड़ने के बाद आप बेहतर स्थिति में आ जाएंगे। एकादश भाव क्या है? एकादश भाव एनजीओ है। एकादश भाव जो है वो आश्रम है। एकादश भाव वो है जहां पे नीचे तबके के लोगों को एक अच्छी स्थान पे रखा जाता है। एकादश भाव जो है वह आपका समाज है। एकादश भाव सोशल मीडिया को भी दर्शाता है। तो आप यदि इन सब से जुड़े हैं, अपने समाज से आप जुड़े हैं, समाज के लिए आप किसी कार्य को कर रहे हैं, तो आपके इस भाव की वो जागृति कराता है। इसके साथ ही एकादश भाव जो है वो छठे से छठा होने के कारण आप छठा समझ के भी इसके साथ आप एक्ट कर सकते हैं। मतलब आप वकालत, डॉक्टरी, इन सब लाइन से भी आप हैं तो आपके भाग्य की प्राप्ति आपको होगी और निश्चित रूप में होगी। एकादश भाव आपके बड़े भाई बहनों का स्थान है। तो यदि आप अपने बड़े भाई बहनों से अपने संबंधों को बेहतर रखते हैं तो भी आपके भाग्य का कंट्रोल जो है वो बेहतर आपके ऊपर होगा, अच्छी अवस्था में वो होगा। एकादश भाव जो है वो पुत्र के भाव से सातवा है, अर्थात आपके पुत्र के भाव से या पुत्री के भाव से। तो पुत्री के भाव से सातवा तो आपका दामाद हो जाएगा, और पुत्र के भाव सातवा आपका जो है वो पुत्र वधू हो जाएगा। तो उनसे भी संबंध अच्छा रखना या फिर दामाद या पुत्र वधू का जीवन में आना, उससे भी आपके भाग्य की उत्पत्ति हो, आपके भाग्य की जागृति होती है, आपके एकादश भाव की एकादश भाव की जागृति होती है। यदि हम बात करें अध्यात्म के अंतर्गत, तो अध्यात्म के अंतर्गत जो है वह लाभ स्थान के साथ साथ कर्म इंद्रियों को भी दर्शाता है, काम इंद्रियों को भी दर्शाता है। तो यदि आप काम इंद्रियों को अपने वश में रखें, अपनी वासना को अच्छी अवस्था में रखें, तो आप उस भाव की जागृति करते हैं, एकादश की जागृति करते हैं। एकादश की जागृति के साथ ही आपका नवम भाव स्वयं जागृत अवस्था में चला जाता है। द्वादश की हम बात करें तो द्वादश भाव जो है वो हानि है। हानि कहाँ चला गया? भाग्य में चला गया। तो आपके भाग्य की वो हानि कर रहा है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, योगा करते हैं, ध्यान करते हैं, उससे भी बेहतर आपके लिए है कि यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर हो जाते हैं तो आपको भाग्य की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि जन्म स्थान से दूर जो है यह जो रूल है वो सातवें के स्वामी नौवें में जाना उसमें भी अप्लीकेबल है, क्योंकि सातवां भाव भी विदेश माना जाता है। आठवें का स्वामी नौवें में जाना वह भी यहाँ पे अप्लीकेबल है कि आप अपने जन्म स्थान को छोड़ दें, आपको भाग्य की प्राप्ति हो जाती है। नवम भाव जो है वो अध्यात्म के अंदर अंतर्गत कृति का स्थान माना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि
12वां भाव दान है, लेट गो है। तो जितना ज्यादा आप चीजों को छोड़ते चले जाएंगे, चीजों से जुड़ेंगे नहीं, और विशेषकर आप जितना ज्यादा दान करेंगे, जितना ज्यादा आप चैरिटी करेंगे, उतना ही आपको धन की प्राप्ति होती है। लेकिन छठे का स्वामी, आठवें का स्वामी, बारहवें का स्वामी, तीसरे का स्वामी, ग्यारहवें का स्वामी यदि आपके नवम भाव में गया है, तो वह आपके पिता के जीवन में कष्ट को दर्शा रहा है, अर्थात आपके जन्म के बाद आपके पिता के जीवन में कष्ट आए हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारे नवम भाव, नौ भावों की व्याख्या। अर्थात नौ भावों के अंतर्गत यह जो अलग अलग भाव के स्वामी हैं, यदि नवम भाव में जाते हैं तो वो कैसे एक्ट करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़कर हम समझते हैं कि नवम भाव में यदि पर्टिकुलर कोई एक ग्रह जा रहा हो तो वो कैसे रिजल्ट हमारे जीवन में लाकर देता है। यहां तक कि आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो बताएं। गुरुजी, आपने बताया अष्टम भाव उनका स्वामी नवम में जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। जी अष्टमेश यदि नवम में अच्छा नहीं रहेगा नहीं, अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन यदि उस भाव से आपके जो व्यक्ति हैं वो जुड़े हैं तो आपके लिए वो अच्छा है। जी, पर जैसे मिथुन लग्न में वो नवमेश भी है और अष्टमेश भी है तो फिर उस पे बात हम क्लास के अंत में कर लेंगे यदि पर्टिकुलर किसी एक पर कुंडली का प्रश्न है तो। लेकिन उसमें आप देखेंगे यह कि उसमें मूल त्रिकोण कौन है, जी मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, उससे आप अच्छे समझ पाएंगे। और हम ठीक बात है करते ठीक है ठीक हैं पर सभी जो नवम भाव है उसमें नवग्रह कैसे रिजल्ट अपने दे रहे हैं। यदि नवम में सूर्य जाते हैं तो नवम भाव का जो कारक है वो बृहस्पति है, नवम भाव जो है वो धर्म है, तो धर्म के स्थान पे कौन गए हैं, सूर्य गए हैं। सूर्य क्या है, सत्व है, सत्व प्लैनेट है और राजस है। तो इसके अंतर्गत यह आपको सत्य वक्ता बनाता है, अर्थात आप जो वचन बोलेंगे वो आप सत्य बोलेंगे, आप जो वचन बोलेंगे वो सत्य बोलेंगे। सिर्फ साथ ही आपको ये सुंदर भी बनाता है। यह सूर्य जो है वो कुटुंब को भी दर्शाता है, कुटुंब कहाँ गया है, भाग्य स्थान में गया है, तो यह आपके कुटुंब के लिए अच्छा बताता है, अर्थात आपके परिवारजनों के लिए यह अच्छी अवस्था बताता है। या आपके परिवारजनों के लिए भी अच्छी अवस्था को बता रहा है। ठीक उसके साथ ही यह एक चीजें जैसे यह आपके जीवन में थोड़ी समस्या डालता है। किस प्रकार की समस्या डालता है, आपके स्वास्थ्य में थोड़ी समस्याएं लेकर आता है। इसलिए लेकर आता है क्योंकि वो ठीक तीसरे के सामने है, तीस राय के ठीक सामने भाव है, इस कारण से आपके जीवन में थोड़ी समस्या अर्थात स्वास्थ्य में थोड़ी समस्या लेकर आता है। यह आपको धनवान ही बनाता है, आपकी आयु में भी वृद्धि करता है, और ऐसा जातक अपने जीवन में कहें तो सभी की सेवा करने वाला होता है, सभी की सेवा करने में तत्पर रहता है, सभी को सेवा करने वाला होता है। ऐसे जातक को ननिहाल का सुख प्राप्त नहीं होता, ऐसे जातक को ननिहाल का सुख प्राप्त नहीं होता है। पिता और गुरु से ऐसे जातक को द्वेष होता है, द्वेष अर्थात पिता और गुरु से ऐसा जातक जलता है। द्वेष की यदि हम बात करें तो क्यों जलता है, क्योंकि सूर्य क्या है, स्वयं अभिमान है, अभिमान नवम में गया है, तो ऐसा जातक के ऐसे विचार होते हैं। तीर्थ करता है, धर्म में निपुण होता है, और साथ ही यदि पाप ग्रह
अर्थात सूर्य के साथ कोई पाप ग्रह मिले हों तो यह जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां भी लाकर देता है। यदि हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जल तत्व है और चंद्रमा जो है वो सत्व प्लैनेट है, तो नवम में जाकर वो अच्छे रिजल्ट को ही देता है क्योंकि वहां बैठकर वो ठीक तीसरे को देख रहा है, तो तीसरा भाव जो है वो साहस है, तो आपके साहस को वो वहां बैठकर कम करेगा क्योंकि चंद्रमा सौम्य ग्रह है, तो सौम्य ग्रह यदि वहां बैठता है तो आपके साहस को वो कम करेगा, तो साहस को कम करने के कारण यह आपके जीवन के लिए बेहतर रिजल्ट को ला कर देता है। लेकिन यह यदि चंद्रमा नवम में बैठता है तो आपको आपके अंदर प्रेम संबंधों को भी ला कर देता है, प्रेम संबंधों को भी यह लाकर आपके जीवन में देता है। ऐसा जातक अपने 20वें वर्ष में तीर्थ की यात्रा करता है, जब यह युवावस्था में होता है तो तीर्थ की यात्रा करता है और इसे व्यापार में भी सफलता मिलती है क्योंकि चंद्रमा क्या है, स्वयं व्यापारी है, व्यापार कहाँ गया है, नवम भाव में गया, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में भी सफलता मिलती है, धन भी इसे प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे, यदि चंद्रमा वहां बैठा हो और वहां मीन राशि हो तो यह थोड़ी समस्यादायक हो जाती है। आगे बढ़े हम, यदि नवम भाव में मंगल है, कोई ना कोई ग्रह तो आप लोगों के भी होंगे ही, यदि नवम भाव में मंगल है तो आपके अंदर यह देता है, नेत्र के रोग को देता है, आपको रोगी भी बना देता है क्योंकि मंगल क्या है, पाप ग्रह है, आपको पित्तदोष भी देता है। या हम यह कहें तो अनेक प्रकार के कष्ट आपके जीवन में लाकर देता है। लेकिन यदि आप यूटिलाइजेशन करके बैठे हैं, अर्थात यूटिलाइजेशन आपका स्वयं हो चुका है मंगल का, क्योंकि मंगल यदि नवम में है तो मंगल क्या है, ऊर्जा है, यदि ऊर्जा को आपने धर्म के कार्यों में लगा रहे हैं, और मंगल क्या है, मंगल जीवन के अंतर्गत जल्दीबाजी को भी दर्शाता है, तो आप किसी कार्य को जल्दी में कर रहे हैं तो उससे कष्ट आपको मिलेंगे ही, लेकिन यदि उस कार्य को उचित और अनुचित का विचार करके कर रहे हैं तो आपके जीवन में कष्ट नहीं मिलेंगे। और ऐसा जातक को कष्ट तो है, साथ ही ऐसा जातक अपने पुण्य का भी नाश कर लेता है, अर्थात अपने पुण्य को भी क्षति पहुंचा देता है, अर्थात कहें तो पौरुषहीन होता है। और ऐसे जातक के जो प्रेमी होते हैं ना, वो नीचे कास्ट के होते हैं, यह भी आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे जातक के जो प्रेमी हैं अर्थात जिनसे इनका ज्यादा लगाव होगा वो नीचे तबके के होंगे। नवम में बुध, यदि नवम में बुध हैं तो यह बिजनेस माइंडेड है, वह धर्म में गया है तो वो समस्या आपको देगा। ऐसा व्यक्ति धर्म की निंदा करने वाला होता है क्योंकि इसे तो धर्म से कोई मतलब नहीं है, तो बिजनेस माइंडेड व्यक्ति है, इसे तो बिजनेस चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति धर्म को निंदा करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति धर्म से धन को कमाने की इच्छा रखता है, धर्म से धन को कमाने की इच्छा रखता है। ऐसा व्यक्ति धर्म को व्यापार समझता है, धर्म को व्यापार की तरह उपयोग में लेना चाहता है। यदि बुध अच्छी अवस्था में ना हो तो 29वें वर्ष में माता की मृत्यु होती है, यदि बुध अच्छी अवस्था में ना हो तो 29वें वर्ष में माता की मृत्यु होती है। लेकिन ऐसा जातक शास्त्र का जानकार भी होता है क्योंकि बुध लर्निंग है और बैठा है नवम में धर्म के स्थान में, तो ऐसा जातक शास्त्रों को भी जानने वाला होता है। नवम में यदि गुरु बैठे हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है गुरु का नवम में बैठना, लेकिन गुरु फंक्शनली अच्छी अवस्था में हो, तुला लग्न ना हो, धनु लग्न ना हो, यह देखना आवश्यक है।
धौम लग्न हो ठीक है, तुला लग्न ना हो। नवम में यदि बैठते हैं तो व्यक्ति को धनी बनाते हैं, प्रसिद्धि तो उसे मिलती है, यह उच्च पद को प्राप्त करता है, सुंदर होता है, रूपवान होता है। ऐसे व्यक्तियों को साधुओं का संग मिलता है, अर्थात साधु इन सब के साथ इनका संग मिलता है, तीर्थ यात्रा करता है, ज्ञान को जानने वाला होता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जो है, आत्मज्ञान जो है, वो नवम भाव है, वहां स्वयं गुरु बैठ गया है जो ज्ञान है, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान को जानने वाला होता है। माता पिता का सेवक होता है, मातृपितृ भक्त होता है, और जीवन के अंत में ऐसा जातक अपने आप को एक तपस्वी या साधु के रूप में ढाल लेता है, अर्थात मन से ऐसा व्यक्ति साधु होता है। नवम में यदि शुक्र है तो नवम में शुक्र जाने के कारण यह जातक भोगी होगा, क्योंकि भाग्य में ही इसके भोग है, अध्यात्म भी है भोग भी है, क्योंकि शुक्र अध्यात्म है, लेकिन यह अपने इस जन्म के अंतर्गत उसे भोग ही समझेगा, तो ऐसा जातक भोगी होगा। यदि यह अध्यात्म को समझता है तो सभी शास्त्रों को जानने वाला होगा, धर्मों को जानने वाला होगा, तीर्थों पर यात्रा करने वाला होगा, गुरु को मानने वाला होगा, तीर्थ यात्रा में धन खर्च करने वाला होगा, लेकिन प्रतिदिन ये जो है वो कुछ ना कुछ गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, इन सब चीजों में भी लगा रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपने आप को एक साधु के वेश में रखता है, ऐसा व्यक्ति अपने आप को साधु के भेष में रखता है। साथ ही ऐसा जो व्यक्ति है वो अपने जीवन के अंतर्गत अपनी युवा अवस्था में ही अच्छे धन को प्राप्त करता है, अपनी युवा अवस्था में ही अच्छे धन को प्राप्त करता है, लेकिन ध्यान रहे यदि ऐसा जातक भोगी बन जाता है तो उसे किन्हीं चीजों की प्राप्ति नहीं होगी। यदि वहां शनि बैठे हैं नवम में तो वो समस्यादायक है, क्योंकि शनि हार्ड वर्क है, शनि भाई डिसिप्लिन है, और गुरु को नवम भाव को ज्ञान से मतलब है, तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, तेजहीन होता है। तेजहीन यदि हम कहें तो ऐसा व्यक्ति के पास, ऐसे व्यक्ति के चेहरे पे आपको तेज नहीं मिलेगा, तेजहीन होगा। अनेक संबंध इसके हो सकते हैं। लेकिन साहसी होगा, यूटिलाइजेशन में अर्थात धर्म से जुड़कर काम करने वाला होगा, तो अच्छी अवस्था में होगा, दयालु होगा, अच्छा कार्य करने वाला होगा। अच्छी अवस्था में अर्थात यूटिलाइजेशन नहीं वहां है तो ऐसा जातक ठगने वाला भी होता है। यदि नवम में राहु है तो ऐसे जातक को कहें तो राहु अनेक प्रकार से नवम भाव को पीड़ित करता है। जो गुरु चांडाल योग है वो यहाँ भी निर्माण होता है, लेकिन वो बहुत अच्छे योग में भी परिवर्तित होता है, अर्थात ऐसा जातक अपने धर्म के लिए ही सब कुछ करने को तत्पर होता है, लेकिन वो एक यूटिलाइजेशन के अंदर आकर, ऐसे नहीं। अधर्म कार्य में निपुण होता है, धर्म भी अपने कार्यों को करता है। केतु इससे बिल्कुल विपरीत फल देते हैं। विपरीत फल कैसे देते हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं, भाग्य की वृद्धि करते हैं, और शनि राहु केतु मंगल ये जो चार ग्रह हैं वो यदि नवम बैठ जाएं तो आपके जीवन में यह आपके कुंडली के अंतर्गत पितृ दोष को भी लगाते हैं। यदि केतु आपके नवम में बैठा है तो आपके सगे भाई बहन नहीं हो सकते हैं, आपके सगे भाई बहन नहीं हो सकते हैं।
ये जो है वो नवम भाव में नौ ग्रहों की व्याख्या और नवम भाव में सभी भावों की अलग अलग व्याख्या हमने की, जो आगे की कक्षा हमारी रहेगी। तो आगे की कक्षा के अंतर्गत नवम भाव के कुछ रूल हैं, उस पे हम लोग बातचीत करेंगे, और उसके साथ ही कुछ अलग अलग तथ्यों पे भी हमारी बातचीत आप लोगों से होगी। आप लोगों का कोई प्रश्न हो इन सब को लेकर।